नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, RRC ग्रुप डी के रिजल्ट के रिगार्डिंग एक ब्रेकिंग अपडेट है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से बोला जा रहा था कि नवंबर के मिड तक या कल पेपर कटिंग, या आपको कुछ दिन पहले 17 तारीख का भी पेपर में एक चीज़ें आई थी जिसमें कहा गया था कि इस हफ्ते आपका रिजल्ट आ सकता है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि चीज़ें जो मैंने बताया था कि हाँ क्लियर हो चुकी है, बस पब्लिश करने की देर है। और टेक्निकल बैकग्राउंड से मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन हाँ आपके रिजल्ट तैयार हैं और इसको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का एक शानदार ऑफर आ रहा है, आया है, आप कह सकते हैं बचत की लहर ऑफर, जो कि 20 से 22 नवंबर के बीच ये ऑफर चल रहा है, जिसके तहत आप पहले जो 299 रुपया में 1 साल का पास खरीदते थे, सॉरी 399 खरीदते थे, उसको 299 रुपया कर दिया गया और उसको भी घटा के 270 कर दिया गया। और तब भी अगर आप 270 में नहीं खरीद रहे हैं तो आप ERMoneys कूपन कोड यूज कीजिएगा, तो इसमें भी आपको 27 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और हर एक जो बायर रहेंगे, यानी कि जो खरीदने वाले होंगे, उनको फार्मा एजी पॉकेट FM रेपिडो की तरफ से एक ऑफर आप कर सकते हैं, या गिफ्ट आपको कंपलसरी है कि मिलना ही मिलना है। यहाँ पे आप SSC CGL के लिए 1148 टोटल मॉक टेस्ट है और GD के लिए 319 मॉक टेस्ट है, तो जितने भी और भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए लगभग 300-400 से प्लस आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऑफर का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो आपका आप देखेंगे कि इसका अपडेट है, RRB के भोपाल वेबसाइट पे जाइएगा, तो जो 8/8/2022 का जो लिंक प्रोवाइड किया गया था, जितने भी आप लिंक देखेंगे वो अभी भी एक्टिव है, यानी कि जिस पर्पस से जो लिंक एक्टिवेट किए गए, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि मॉक टेस्ट का लिंक है, तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो मॉक टेस्ट जैसा खुल जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो देखिएगा इस तरीके से इसमें अभी भी एक्टिव है, या जो नहीं एक्टिव हो सकता है उसको डीएक्टिव कर दिया गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे हेल्प डेस्क को खोलेंगे तो यहाँ पे इसको डीएक्टिव नहीं किया गया है, इसको फिर से एक्टिव करने की कोशिश किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि लिंक विल बी एक्टिवली सॉरी अवेलेबल, जो एक्टिव होगा, जो अवेलेबल है वो शॉर्टली होगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो लिंक है वो एक्टिव तुरंत होगा, यानी कि जो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो इसी लिंक पे मॉडिफाई करके आएगा, जैसा ये लिंक है उसमें मॉडिफाई करके आपका रिजल्ट अपडेट किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी कोई भी रिजल्ट आता है तो आप देखेंगे कि इसी तरीके से लिंक आपको दिखाएगा कि लिंक विल बी अवेलेबल शॉर्टली। तो अब कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट ऑब्वियस से तैयार है, अब कब तक इसको अपडेट करना है, क्या क्लियरिफिकेशन सॉरी क्लियरेंस चाहिए, होता ना कि कोई भी रिजल्ट को पब्लिश करने से पहले हायर अथॉरिटी का क्लियरेंस चाहिए कि हाँ इस दिन पब्लिश किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट तैयार है चलो डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसमें बहुत सारे जो अथॉरिटी होते हैं, हायर अथॉरिटी होते हैं, उनका सिग्नेचर लगता है, या पूरा बजाबते उसमें टेक्निकल इशू देखा जाता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आप पब्लिकली करने जा रहे हैं कोई भी रिजल्ट को, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वहाँ पे चेक होता है कि कोई इसमें त्रुटि तो नहीं है। रिजल्ट पूरा तैयार है, बस वही आप कह सकते हैं फाइनल स्टेज में है कि उसमें त्रुटियां ना हो, इसलिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन रिजल्ट एनी हाउ आपके आएंगे। और इस तरीके से वेबसाइट पे जो दे रखा है इसका मतलब वही शो कर रहा है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी, नए चैनल पे हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।